दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 27 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। 27 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ये वीडियो रात में 9 बजे आती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लिवरपूल। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है दोस्तों लिवरपूल, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? प्यारे दोस्तों समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आंतरिक अशांति की जगह पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों स्वपनाओं पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाग 9 में। 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बताइए राइट आंसर। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महान्यायवादी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में दी गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? दोस्तों सही आंसर रहेगा शोषण के विरुद्ध, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रण देता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। दोस्तों
ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और रात को ये 9 बजे वीडियो आती है, इसको रेगुलर फॉलो करिए चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, संसद द्वारा कानून बनाकर, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश मेरे प्यारे दोस्तों लीला सेठ थी, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रपति को, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है। दल बदल तथा अर्थाय, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। सही आंसर रहेगा 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ग्राम स्तर पर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से भारत के संविधान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया है। दोस्तों भारत के संविधान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया है, तो राइट आंसर रहेगा योजना आयोग, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 18वें का राइट आंसर रहेगा लोकसभा के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने त्याग पत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद को संभाला। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23 वर्षों तक, 19वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये सभी तरीकों से बैठक को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर उपरोक्त सभी द्वारा 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। सही आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। सही आंसर रहेगा 3 जून 1947 को, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। हाइड्रोलाइसिस, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपवर्तन, यानी कि बी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है।
दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी नहर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो सही आंसर रहेगा 395, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 में, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये 27 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना स्कोर बता दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 170 रुपये की पीडीएफ है, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह रहेगा, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।